हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी डिलाइट। आप लोगों के लिए आज मैं एक चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट केक है। इसको कोई भी बना सकता है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है और देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बन के निकला है। तो रेसिपी बहुत ईजी है, इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना केक टिन प्रिपेयर करके रख लेना है। हल्का सा इसमें बटर या ऑयल इसको ग्रीस कीजिए और अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो डालकर इसको रेडी करके रख लीजिए। और एक कढ़ाई या पैन को आपको प्री हीट करना है 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में, वो भी आप रख दीजिए। और अब हम बैटर रेडी करेंगे। तो आपके पास कोई सा भी अगर चॉकलेट बिस्किट है तो उसको आप ले लीजिए। 250 ग्राम मैंने लिया है, या हाइड एंड सीक का मेरे पास चॉकलेट बिस्किट था तो वो लिया है। और इसको ब्लेंडर में डाल के आपको इसका फाइन पाउडर रेडी करना है, ये देखिए। और हमारा ये फाइन सा पाउडर रेडी है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना फाइन सा ये पाउडर रेडी हो गया है। बस आप इसको एक बाउल में जिसमें आपको बैटर रेडी करना है उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इसको फाइन सा एक पेस्ट बनाना है तो इसके लिए हमें दूध चाहिए होगा। तो मैं यहाँ 125 ml दूध लूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के आपको बैटर रेडी करना है। फाइन होना चाहिए इसलिए आप अच्छा सा विस्क दीजिए विस्कर की हेल्प से, ये देखिए। और आपको इसको एक डायरेक्शन में ही मिक्स करना है, अदरवाइज़ जो इसमें आपने एयर क्रिएट किया है वो निकल जाएगा तो आपका केक बहुत ही हार्ड बनेगा। तो इसको आपको एक डायरेक्शन में ही इसको मिक्स करना है, ये देखिए। और ये वाली कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए। बस ये रेडी है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, उसको आप डाल दीजिए। और चौथाई टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। इन दोनों को डाल के आपको मिक्स करना है। अगर आपके पास इनो है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, एक सैशे आप इसमें डाल सकते हैं। और आप इसको अच्छा सा विस्क दे दीजिए, मिक्स कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा बैटर फाइन और कितना ग्लॉसी और कितना अच्छा लग रहा है। उसमें हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ बिस्किट, मिल्क और बेकिंग पाउडर। बस इसको हम जल्दी से अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये देखिए। इसलिए मैंने बोला था को आपको कि इसको केक टिन को आपको ग्रीस करके रख लेना है, क्योंकि इस बैटर को आप जब ये रेडी हो जाता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद तो इस बैटर को आप रख नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ केक आपका बहुत ही हार्ड बनेगा। बस इसको आप हल्का सा टैप कर लीजिए और बस इसको जो हमने प्री हीट करने के लिए रखा था कढ़ाई या पैन उसमें एक कटोरी या आपके पास बाउल है तो उसको नीचे रख दीजिए। मेरे पास ये फ्लैट सा प्लेट था तो उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें आप ये केक टिन को रखिए और इसको ढक के आपको 30-35 मिनट के लिए बेक करना है मीडियम फ्लेम में। और अगर ओवन में डालना चाहते हैं तो 180 डिग्री में सेल्सियस में आपको 30-35 मिनट के लिए रख देना है, ये देखिए। आफ्टर 30 मिनट मैं इसको चेक कर रही हूँ हमारा नाइफ है कितना क्लीन निकला है। तो ये हमारा केक रेडी है, इसको आप फ्लेम से निकाल दीजिए और इसको आपको ठंडा करने के लिए रख देना है। जब तक ये ठंडा ना हो तो तब तक आप इसका साइड्स को आप बाहर ना निकालें, अदरवाइज़ ये टूट जाएगी। तो आपको इसको अच्छे से ठंडा होने देना है, ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा फूल के रेडी है। और ये ठंडा हो चुका है तो मैं साइड से स्क्रेप करके इसको निकाल रही हूँ, ये देखिए। एक प्लेट लेकर इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए प्लेट में, हल्का सा पीछे टैप कर लेना है। और ये देखिए ईजली आपका ये निकल आता है और देखिए ऊपर से ये हमारा कितना सॉफ्ट स्पंजी लग रहा है। मैं आपको इसको उठा के दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। बस ये ऐसे ही आप इसको काट के सर्व कर सकते हैं बच्चों को। और अगर आप इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करना चाहते हैं तो अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है किसी भी ब्रांड का तो वो इसके ऊपर आप पोर कर दीजिए, ये देखिए। ये अच्छे से पोर करने के बाद इसको आप हल्के से स्पून से या स्पैचुला से इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। बस ये आप इसको रख दीजिए जब तक आपका ये चॉकलेट सिरप हल्का सा ड्राई हो जाए, ये देखिए हमारा चॉकलेट सिरप हल्का सा ड्राई हो गया है। अब मैं इसके ऊपर
चॉकलेट पाउडर था मेरे पास, तो वो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर नहीं है तो जिस बिस्किट से आपने ये बैटर प्रिपेयर किया था उसका थोड़ा सा, उसका फाइन सा पाउडर आप बना लीजिए और उसको ऊपर आप स्प्रिंकल कर दीजिए। वो भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट एक हल्का सा क्रंच आता है बिस्किट जो आप स्प्रेड करते हो। ये देखिए हमने सारे स्प्रेड कर दिए हैं ये चॉकलेट पाउडर, और बीच में आप चेरी डालकर इसको डेकोरेट कर लीजिए। जिस तरह से भी आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं वो डेकोरेट कीजिए, और बर्थडे में एनिवर्सरी में इस केक को ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ, हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बना है, सुपर सॉफ्ट ये बना है। ये कट करने से ही हमें पता चल जा रहा है कि हमारा नाइफ कितना अच्छे से ये कट हो रहा है। ये देखिए मैं आपको हैंड में ले कर दिखा रही हूँ, ये देखिए कोई क्रैक नहीं है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। बस ये रेडी है सर्व करने के लिए, तो इसको सर्व कीजिए। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।